Today we are going to study CBSE English class 6 chapter 6 The Wonderful Words. Let's start the poem. Never let a thought shrivel and die. कभी भी किसी भी विचार को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए और मरने नहीं देना चाहिए. Shrivel means वेस्ट जाने देना and die means मरना. हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनमें से किसी भी विचार को मरने नहीं देना चाहिए और वेस्ट नहीं करना होने देना चाहिए. फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट मीन्स आप जो भी कहना चाहते हैं उसे कह देना चाहिए. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. और इस कार्य के लिए इंग्लिश एक बहुत ही शानदार लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है. वैसे तो सभी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है लेकिन इंग्लिश भी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और आप सभी इंग्लिश में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं. ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों से वर्ड्स को मैच करना चाहिए. मीन्स आपने क्या करना चाहिए, आपने वर्ड्स से विचारों को मैच करना चाहिए जो कि आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं बहुत शानदार विचार आते हैं उनके साथ मैच करना चाहिए. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू जिससे कि वे जो विचार हैं वह बहुत ही स्पष्ट रूप से और सत्य बाहर आएंगे. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फिट. देखिए हैंडसमली मीन्स हैंडसम मीन्स सुंदर. हैंडसमली मीन्स खूबसूरती से. ग्रैम्ड मीन्स ग्रूम्ड मीन्स जिनको तैयार किया गया हो. एंड फेड मीन्स जिनको खिलाया पिलाया हो बहुत अच्छे से. तो बहुत ही खूबसूरती से जिन्हें तैयार किया गया और खिलाया पिलाया गया हो मीन्स बहुत ही अच्छे से जो विचार है वह बाहर आएंगे वर्ड्स के थ्रू. फॉर मैनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड मीन्स ऐसे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बाहर आएंगी जो कि पहले कभी भी नहीं सुनी गई हो, पहले किसी ने नहीं कही हो. वो बातें हो सकता है कि आपके दिमाग से विचारों के रूप में बाहर आ जाए. नाउ वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट मीन्स शब्द विचारों के कपड़े और भोजन है. देखिए फूड मीन्स जो हमें एनर्जी देता है, उसी टाइप से जो थॉट है वो थॉट को वर्ड्स एनर्जी देते हैं. और जो ड्रेस मीन्स खूबसूरती से, ड्रेस मीन्स खूबसूरती से उन्हें एक्सप्रेस करते हैं. तो जो वर्ड्स हैं वह एनर्जी देते हैं और सुंदर तरीके से विचारों को प्रस्तुत करते हैं. तो इसीलिए वर्ड्स को ड्रेस, फूड एंड ड्रेस कहा गया है. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग वे जो वर्ड्स होते हैं वो विचारों को शरीर प्रदान करते हैं और स्विंग देते हैं. एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग और आज हर व्यक्ति कुछ फ्रेश मीन्स ताज़ा और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ताज़ा और सुंदर विचारों को हर व्यक्ति सुनना चाहता है. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट मीन्स लेकिन केवल शब्दों को विचारों के द्वारा फ्री किया जा सकता है. फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज आपकी आँखों के पीछे जो जेल में बंद है मीन्स आपकी आँखों के पीछे, प्रिजन मीन्स जेल, आपकी आँखों के पीछे जो दिमाग में जो जेल है जिसमें बहुत सारे विचार बंद है आपने उन्हें शब्दों के जरिए व्यक्त करना चाहिए. या तो आपने उन्हें बोलकर व्यक्त करना चाहिए या फिर उन्हें कागज पर लिख देना चाहिए. उससे ये होगा मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज. हो सकता है कि आपके दिमाग में इतने अच्छे विचार आपने रखे हुए हों कि जब वो बाहर आए तो एक मार्वलस बहुत ही शानदार एक नया सरप्राइज हो जाए. बहुत ही शानदार सरप्राइज मीन्स जो सबको चौंका दे. तो ऐसी चीज़ जो सबको सुनने को मिले. हो सकता है कि आपके ब्रेन में इतने अच्छे विचार हों कि जब वो बाहर आए तो सब व्यक्ति उन्हें सुन के और चौंक जाएं. दिस पोएम इज़ रिटन बाय मेरियो नील. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.